भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार सोवियत यूनियन के दौरे पर गए। वहां उनके सम्मान में भोज का आयोजन हुआ। इस दौरान जब रशिया के प्राइम मिनिस्टर निकोलाई बुल्गानिन अपनी स्पीच देने के लिए खड़े हुए, तो स्पीच के दौरान राज कपूर साहब की फिल्म आवारा का टाइटल ट्रैक आवारा हूं गुनगुनाने लगे और उनके साथ उनके मंत्री भी गुनगुनाने लगे। ये देख नेहरू जी चौंक गए एंड उन्हें राज कपूर साहब की पॉपुलैरिटी का एहसास हुआ। ऐसा ही एक और किस्सा है जो लेट फिल्म मेकर यश चोपड़ा जी ने एक इंटरव्यू में सुनाया था। 1976 में हम ताशकंद फिल्म फेस्टिवल के लिए गए। मैं पहले भी कई बार इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग ले चुका हूँ, लेकिन किसी इंडियन फिल्म मेकर की विदेश में ऐसी राजाओं जैसी आओ भगत मैंने सिर्फ राज कपूर साहब के साथ देखी। हमारे 48 लोगों के ग्रुप के लिए एक स्पेशल बस थी और राज कपूर के लिए एक बड़ी सी कार और साथ में इंटरप्रेटर। ताशकंद से समरकंद तक हमारी ट्रेन में सीट्स रिजर्व थी और राज कपूर के लिए पूरा कंपार्टमेंट। जब हम समरकंद पहुंचे तो स्टेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मानो पूरा शहर राज कपूर को रिसीव करने आया हो। तो कैसे हुई रूसी ऑडियंस और राज कपूर की पहली मुलाकात? वेल, साल था 1951 और फिल्म थी आवारा, जिसने रशियंस का परिचय राज कपूर से करवाया। आवारा को रशियन में डब करके ब्राजगिया के नाम से रिलीज किया गया एंड रशियन ऑडियंस के लिए तो इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। लोग लंबी कतारों में लगकर घंटों बारिश में वेट करते आवारा का एक टिकट खरीदने के लिए। तो क्यों थे सोवियत यूनियन के लोग राज कपूर के दीवाने? वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसएसआर में आर्थिक हालात बहुत खराब थे। लोग भुखमरी और गरीबी से जूझ रहे थे। ऐसे में जब लोगों ने आवारा फिल्म में राज को बद से बदतर हालातों में भी मुस्कुराते हुए जीते देखा तो उन्हें हिम्मत मिली और आवारा, श्री 420 एंड राज कपूर लोगों के लिए ऑप्टिमिज्म का एक सिंबल बन गए। राज कपूर के बेटे लेट ऋषि कपूर जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 1954 में राज कपूर पहली बार मॉस्को गए तो उनके पास यूएसएसआर का वीजा तक नहीं था, लेकिन इमिग्रेशन वालों ने उन्हें रोका नहीं बल्कि एक स्माइल के साथ जाने दिया। राज कपूर एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे और टैक्सी का वेट करने लगे। आसपास लोगों ने राज कपूर को पहचान लिया एंड खबर फैल गई कि भाई राज कपूर इज इन मॉस्को। टैक्सी आई, राज साहब बैठे, लेकिन टैक्सी आगे नहीं बढ़ी बल्कि हवा में ऊपर उठने लगी। जब राज साहब ने अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उन्हें पता चला कि टैक्सी को लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टारवर्ड्स ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर वॉज बॉर्न ऑन December 14, 1924। राज कपूर जी वॉज अ विजनरी फिल्म मेकर जिनकी सोच उस समय के जमाने से कई दशकों आगे थी। जितना प्यार शोमैन ने अपनी फिल्मों में लोगों को दिया उतना ही प्यार उन्हें भी मिला। आज उनका जिक्र करते हुए बस ये लाइनें याद आ जाती हैं कि माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।